हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। और आज जो मैं आप सब लोगों के लिए दो ऐप्स लेकर आया हूँ, दो ऐप्स हैं जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। एक है फ़ोटो लेयर, ठीक है, और बैकग्राउंड इरेजर। फ़ोटो लेयर ऐसी ऐप है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपको किसी को जो है वो PNG में कन्वर्ट करना है, JPG में कन्वर्ट करना है, तो वो आपकी फ़ाइल जो है वो PNG में और JPG में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। फ़ोटो बैकग्राउंड इरेजर ऐसा है, वो तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि बैकग्राउंड इरेजर है, लेकिन बहुत अच्छा इरेज करता है बैकग्राउंड को, कहीं से आपको पता नहीं लगने देता कि इसमें जो है वो कोई एडिटिंग की गई है या कुछ ऐसा। मतलब आप उसमें ऐसी एडिटिंग कर सकते हो कि आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल रियल लगे और आपको जो है वो उसमें कहीं ऐसी कोई एडिटिंग नज़र ना आए, और जो है वो उसमें आप जो है वो आराम से एक अच्छा जो है वो फ़ोटो को जो है वो कन्वर्ट कर सकें बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से। तो पहले हम आपको पूरा इन दोनों ऐप्स का जो है वो कंपैरिजन और रिव्यू करके बताएं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप फ़ोटो लेयर में जाएंगे और फ़ोटो लेयर से आप लोड बैकग्राउंड इमेज पे जाएंगे। जैसे हम ये ब्लैक बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से आप कोई भी 9x16 का, 3x4, 1x1 किसी का भी रेशियो आप दे सकते हैं या फ्री पे रख सकते हैं। डन पे क्लिक करें। उसके बाद अपना ऐड फोटो करें इसमें, ये आपका जो है ये ब्लैक टिक। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक कर दें। अगर आपको इसी पिक्चर को आप JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वही जो पिक्चर हमने बनाई थी उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप क्लिक कर दें सेव एज JPG पे, तो पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी JPG में, कन्वर्ट हो जाएगी JPG। अच्छा, अब हम इसी ऐप इसी तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे इरेज करें, तो आप बैकग्राउंड इरेजर पे आएंगे, उसी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। ऑटो का ये है कि जहाँ जहाँ से आप इस चीज़ को पूरा बैकग्राउंड जो है मिटेगा, तो वो इस ऑटो चीज़ से ही मिटेगा। जैसे ही आप इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, मिट जाएगा ये पूरा बैकग्राउंड, और ये पिक्चर जो है वो आपके सामने पूरी आ जाएगी। तो पहले यहाँ पे लेके जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, देखा, तो बैकग्राउंड पूरा जो है वो क्लीन हो के आपके पास पिक्चर जो है वो बच गई। अच्छा, यहाँ पे बैक कलर आप ब्लैक में भी दे सकते हैं और वाइट में भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक में देते हैं और इस पिक्चर को सेव कर लेते हैं। और यहाँ से आप फिर से सेव पे क्लिक करें और आपकी पिक्चर सेव हो गई। अगर आप चाहें तो यहाँ से वाइट बैकग्राउंड सेव एज JPG पे क्लिक भी कर सकते हैं। पिक्चर को सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपके जो पिक्चर का जो ये बैकग्राउंड है ये वाइट हो जाएगा, और आपको जहाँ भी लगाना है पिक्चर को, जहाँ यूज़ करना है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको वीडियोस हमारी कैसी लगती है। थैंक यू।